जी हाँ दोस्तों, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024 जिसमें हमें टीम इंडिया की 3 मैच की ओडीआई सीरीज देखने को मिलेगी। इस सीरीज का पहला ओडीआई मैच जो कि श्रीलंका के टीम के बॉलर्स ने अपने अच्छी बॉलिंग के चलते आखिरी में मैच ड्रॉ कराया, और वहीं दूसरा ओडीआई मैच जो कि टीम श्रीलंका ने जीत कर 1-0 से इस सीरीज में बढ़त बना ली। अब तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच जो कि 7 अगस्त को 2:30 बजे से खेला जाएगा, क्या टीम इंडिया इस मैच को जीतकर ओडीआई सीरीज को 1-1 की बराबरी पे खत्म कर पाएगी? आप सभी को ये जरूर जानने का इंतजार होगा कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच के लिए दोनों टीमों के किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। देर किस बात की, आइए जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। वीडियो स्टार्ट करते हैं टीम इंडिया के बैट्समैन से। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। टीम श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की बात करें तो प्रथम निशंका, अविष्का फर्नांडो, कुशाल मेंडिस। टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो रियान प्राग, ऋषभ पंत। टीम श्रीलंका के ऑलराउंडर्स की बात करें तो सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका। टीम इंडिया के ऑलराउंडर की बात करें तो शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। टीम श्रीलंका के ऑलराउंडर्स की बात करें तो जलित नियानागे, वनिंदो हसरंगा, डुनिट वेलेरेज। टीम इंडिया के बॉलर की बात करें तो कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह। टीम श्रीलंका के बॉलर की बात करें तो अकीला धनंजय। असिता फर्नांडो। तो ये हो सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच के लिए। आपको क्या लगता है, इस ओडीआई के आखिरी मैच को कौन जीतेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।